हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मोमिता और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी पकोड़ा। पकोड़ा मैं बनाऊंगी, ये है चाउमीन। ये चाउमीन मैंने पहले से बना के रखी है। यहाँ पे है कैप्सिकम, टमाटर, साथ में मैंने यहाँ पे ग्रेटेड गाजर ले लिया, उसके साथ हरी मिर्च, नींबू का रस, चाहिए होगा बेसन, रेड चिली पाउडर, आप चाहे तो चिली पाउडर, रेड चिली पाउडर ना भी दे सकते हैं, थोड़ा सा नमक, क्योंकि चाउमीन में नमक पहले से दिया हुआ है। तो इसी से आज मैं बनाऊंगी चाउमीन का पकोड़ा। अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो इसे मैंने थोड़ा साइड कर देती हूँ। अच्छा ठीक है, इसे रखती हूँ यहाँ पर। और सबसे पहले एक ये जो मैं बना लिया था पहले ही चाउमीन, आलू भी है इसके अंदर, इसे मैं डाल देती हूँ। तो और इसमें मैं दे देती हूँ ये ग्रेटेड गाजर। साथ में हरी मिर्च, नींबू का रस, थोड़ा अगर आप तीखा कम पसंद करते हैं तो एक चिली पाउडर मार दीजिएगा। मैं एक चिली पाउडर डाल रही हूँ, थोड़ा ये हाफ टी स्पून है, छोटा वाला स्पून, और नमक स्वाद अनुसार। अभी मुझे देना होगा ये बेसन, मैं यहाँ पे दे देती हूँ एक बड़े चम्मच बेसन और एक चम्मच डाल देती हूँ, मतलब दो चम्मच बेसन ही है यहाँ पर, दो चम्मच बेसन मैंने यहाँ पे डाल देती हूँ। अभी मुझे इसे अच्छी तरह मिलाना होगा। और बेसन और कुछ भी इसमें नहीं चाहिए, इसे मैं रख देती हूँ। और पानी भी मैंने इसमें बिल्कुल भी नहीं डाला। फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की जो घंटी है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाला मेरी जो भी लेटेस्ट वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। मैंने एक कढ़ाई ले लिया है और यहाँ पे मैं दूंगी ऑलिव ऑयल। पकोड़ा हमेशा सरसों के ऑयल से ही अच्छा लगता है, पर मैं बनाऊंगी ऑलिव ऑयल से। तेल गर्म हो गया है, मैं पकोड़ा को दे देती हूँ अभी। पकौड़ा तल गई है, इसे निकाल लेती हूँ एक टिश्यू पेपर में। इसी तरह मैं बाकियों को भी फ्राई कर लेती हूँ। मेरी चाउमीन की पकौड़ा रेडी हो गई है। फ्रेंड्स, अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।